नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम भाईंदर पूर्व के अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल में प्रांगण में मौजूद है, जहां पर एक पूर्व ट्रस्टी मोहन पाटिल पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आपको बता दूं कि यह अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल को बनाने में आगरी समाज के पूर्व ट्रस्टियों ने खून पसीने की मेहनत से बड़ा किया, इसे बनाया। लेकिन उन्हीं आगरी समाज में से एक मोहन पाटिल ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इस संदर्भ में आज अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल के ट्रस्टियों ने एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें एडवोकेट तरुण शर्मा ने हमें जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 2018 में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत 292 FIR जो अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल के द्वारा पुरानी कमेटी मेंबर्स के अगेंस्ट रजिस्टर किया गया था, जिसमें टोटल 9 आरोपी थे, जिसमें से एक कंपनी भी थी, जिसमें मोहन पाटिल, गुरुनाथ पाटिल, वासुदेव पाटिल, प्रशांत पाटिल, शरद पाटिल, ऐसे पुराने संस्था के मेंबर्स थे। हमारा ऐसा क्लेम था, हमारी संस्था जो आज चेयर पे, उनका ऐसा क्लेम था 2012 से कि संस्था के अंदर इन लोगों का मिसयूज ऑफ पावर और साथ ही साथ फॉज एंड फैब्रिकेशन करके फंड को, स्कूल के फंड को ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा था हमारा रिंग इंडिया कंपनी, जिसको कंप्यूटर के टेंडर्स दिए गए थे जो फ्रॉड एंड फैब्रिकेटेड थे, जो उसने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की थी, फिर भी उसको पैसे दिए जा रहे थे। दूसरा हमारा क्लेम था कि संस्था के अंदर जो ये गवर्नमेंट एड संस्था है, तो गवर्नमेंट एड संस्था के तहत गवर्नमेंट से हमें चावल और खिचड़ी बना के बच्चों को खिला दिए जाने के लिए दी जाती थी, पर वो खिचड़ी कभी नहीं बनी स्कूल के अंदर, ना ही वो चावल दिखे गए। तो उसके अंदर हमारा दूसरा ये चैलेंज था, और तीसरा हमारा चैलेंज था जो बच्चों के लिए जो आई कार्ड बने थे उसके अंदर फ्रॉड है, और बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड थे जो इसके अंदर छोटे छोटे फ्रॉड थे, जिसको हमने चैलेंज किया था, जो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन की, पर वो रजिस्टर नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने कोर्ट में जाके 1563 का ऑर्डर लिया मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, वो ऑर्डर लेने के बाद नवगढ़ में आई। नवगढ़ में भी हमको ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सही नहीं जा रही है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस था, पैसे इन्वॉल्व थे, एंट्रीज इन्वॉल्व थी, जिसके कारण हमने एक लेटर SP को लिखा। SP को लिखने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि ये क्राइम में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने ये मैटर को EOW में ट्रांसफ़र किया। EOW में ट्रांसफ़र करने के बाद सभी आरोपियों ने एंटीसिपेटरी बेल मूव की थाना कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट हो गई। उसके बाद करीबन 4 साल 9 महीने तक इनकी इंटरिम प्रोटेक्शन चली बॉम्बे हाई कोर्ट से, जिसमें 2 साल का समय आपको पता होगा लॉकडाउन का था, जिसके कारण बहुत तकलीफ थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम गए, सुप्रीम कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया कि किसी भी हालत में ये पिटीशन की सुनवाई की जाए, क्योंकि बहुत समय तक इसमें डेट ली जा रही थी, क्योंकि नौ लोग थे, अलग अलग वकील थे, तो कभी इसको समय नहीं मिलता, कभी उसको समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये डिले हो रहा था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तात्पुरता ऑर्डर पास किया कि ये एंटीसिपेटरी की सुनवाई 1 महीने में हो, और जिसमें हमें जस्टिस मिला है, और एंटीसिपेटरी बेल 3 से 4 आरोपी की अलाउड हुई है और 2 आरोपियों की रिजेक्ट हुई है, जिसमें मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल की एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हुई है। बाकी एंटीसिपेटरी 5 से 6 आरोपी की अलाउड हुई है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द चैलेंज करने वाले हैं। और आज जहाँ तक आपको पता होगा कि प्रशांत पाटिल ने सरेंडर किया है कल रात को, हमें ऐसा पता चला है, तो आज उनको कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा। इसमें एक मुद्दा जो था सबसे बड़ा, मधुमोहन करके जो संस्था थी, जिसके नाम पे मोहन पाटिल जी का ऐसा बोलना था कि ये संस्था खिचड़ी बनाती है, उसमें महिलाएं इन्वॉल्व थी, बहुत सारी महिलाओं के नाम दिए गए थे, एग्रीमेंट साबित किए गए थे कोर्ट के अंदर, पर वो सब सिद्ध हो गया कि वो एक फ्रॉड था, फैब्रिकेशन था, एक आई वॉश था, खाली एक ऐसा पर्दा खड़ा किया गया था कोर्ट के सामने दिखाने के लिए कि एक ये संस्था है जिसको ये काम दिया जा रहा है, जबकि वो संस्थाओं की महिलाओं का ऐसा कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी संस्था ही नहीं बनाई, उनको कभी ऐसे मेंबर ही नहीं बनाया गया। हाँ, भले उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उनके बैंक से पैसे निकल रहे थे, उनके बैंक में पैसे, ये भी उनको महिलाओं को नहीं मानता। तो ये बहुत बड़ा स्कैम और एक फ्रॉड था, जिसमें हमें पूरी संस्था को एक सफलता मिली है कि इनकी बेल रिजेक्ट हो गई है, और हम अब कोशिश करेंगे कि इनको जितना हो सके अंदर रख के इन्वेस्टिगेशन करके संस्था का जो नुकसान हुआ है, एक तो रेपुटेशन का, और संस्था के जो पैसे इन्होंने खाए वो वापिस से संस्था को मिले, ताकि ये स्कूल वापिस से उस लेवल पे आए जिस लेवल पे ये थी। ये मैं ऐसा बोलूँगा कि मोहन पाटिल ही नहीं, उसके साथ जितने भी लोग मिले हुए थे इस संस्था से, उनको इतना बुरा लग रहा है कि ये स्कूल एक 15,000 से 18,000 बच्चों की स्कूल थी, जिसकी आज 4 से 5 हज़ार पे आके रुक गया है। तो ये बताता है कि मोहन पाटिल के दाग के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। और वही छोड़िए, स्कूल का स्तर जो है और स्कूल का नाम,
किससे जाना जाता है, उनके प्रिंसिपल से और उनके एथिक्स से जाना जाता है। अब जब ये पूरे मीरा भाईंदर में चर्चा होती है कि अभिनव स्कूल में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, खिचड़ी के लोग पैसे खा गए, चावल के पैसे खा गए, तो कोई कैसे इस स्कूल पे विश्वास करेगा। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई हो, क्योंकि लड़ रही भी स्कूल है, स्कूल के संस्था के मेंबर लड़ रहे हैं कि इसको न्याय मिले, जिससे ये साबित होगा कि स्कूल नहीं थी पर कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिसको उनकी सजा मिलेगी। देखिए कैसा है, पॉलिटिकल प्रेशर हर जगह पे अपने को बोलना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पर मेरा ये मानना है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जस्टिस डिले जरूर हुआ था, डिनाई नहीं होगा, कितना भी प्रेशर आने दीजिए, किसी के द्वारा भी प्रेशर आने दीजिए, पर जब सच जो है वो दस्तावेजों में है, वो कोर्ट के अंदर भी साबित हो गया, तो आप उसको कितनी देर तक डिनाई करेंगे? कोई भी आदमी कब तक डिनाई करेगा? 110% हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी हो गई है, पिटीशन भी रेडी है, बहुत जल्द इसको फाइल की जाएगी। जैसे हमारी एप्लीकेशन जो थी, जहाँ तक मुझे याद है जब हमने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में मूव की थी, हमारा क्लेम था 6 करोड़ का स्कैम है। अब जब वो आदमी अरेस्ट होगा तो उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें मालूम पड़ेगी। अब जहाँ तक रहा सवाल कार्यकारिणी का, उनका कितने समय था, सबसे बड़ी बात है वो जिस पोस्ट पे थे, हमारा तो ये बोलना है कि संस्था की अगर आप नॉर्म्स देखेंगे उसके अंदर वो पोस्ट ही नहीं थी, उन्होंने खुद ने ये पोस्ट क्रिएट की, खुद ने बैठे, क्योंकि उस समय जहाँ तक मुझे याद है तुलसीदास मात्रे जी तो थे, उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, वो नहीं थे, तो जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से मिसयूज़ करके उस समय का उन्होंने अपनी ये पोस्ट क्रिएट की थी। पुलिस प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि जब वो कोर्ट में आए तो कम से कम उनकी बेल एप्लीकेशन और उनको रिमांड पर लिया जाए, ताकि सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसको रिमांड मिल जाए मोहन पाटिल और प्रशांत पाटिल और बाकी आरोपी को भी, जिनकी बेल रिजेक्ट होती जाएगी धीरे धीरे। जैसे मैंने आपको कहा कि मधुमोहन संस्था थी एक, जिसको उन्होंने क्रिएट किया कि ये संस्था को स्कूल काम देती है खिचड़ी बनाने का, पर वो संस्था के खुद के एफिडेविट है, वो महिलाओं के एफिडेविट है, को पुलिस स्टेशन में और स्टेटमेंट है कि हमने कभी ये काम ही नहीं किया। दूसरा, जैसे आपको पता होगा कि कमिटी जब बैठती है, मीटिंग होती है, मिनट्स बुक बनती है, तो इनके जो उन्होंने सबमिट किया कोर्ट के अंदर, फर्स्ट पेज पे हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ है और ऑल अ सडन बाकी सब टाइप और प्रिंट आउट है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, जिसमें सिग्नेचर जैसे 5 जन के और पीछे लिखा गया पूरा, उन्होंने छाप दिया था, तो ये सब फ्रॉड उनको पता चला, तो जो कोर्ट के अंदर भी आ गए सारे डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज। ये थे एडवोकेट तरुण शर्मा, जो बता रहे थे कि मोहन पाटिल ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया। अब यह देखना होगा कि पुलिस कितने आरोपियों को गिरफ्तार करती है, और जिस तरह से जो भ्रष्टाचार किया है वह पुलिस कितनी रकम संस्था को लौटाती है। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।